Hello friends, how are you? I hope you all are very well. Thank you. I'm Ashish and welcome to our YouTube channel Ashish93. So today we will discuss about the artist. So today we can talk about some objective questions. Okay. So first question is, who wrote the artist? It means artist ko kisne likha. So its correct answer is Siga Noya. Okay, Siga Noya. Pearl S. Buck isne likha tha India Through Traveler Eyes, Mahatma Gandhi Indian Civilization Culture, Martin Luther King Jr. ne I Have a Dream. So second question hum log jayenge, when was Siga Noya born? Siga Noya ka janm kab hua tha? 1883 mein hua tha. Next, when was Siga Noya died? इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1971 है ना. When was Siga Noya died? 1971. Fourth number questions, how old CB was? CB कितने वर्ष का था? How old CB was? CB कितने वर्ष का था? And CB was 12 years old. कितने साल का था? 12 years old and still studied in primary school. जब वो 12 years का था किस स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में. ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं सब के सब अपने आप में वीवीआई और खास है. ठीक, आप किसी किसी ऑब्जेक्टिव को ये नहीं बोल सकते ये वीवीआई है. अभी आप सबको वीवीआई मानकर पढ़िए, सब के सब क्वेश्चंस खास हैं आपके लिए. एंड ऑफ टाइम में मैं दूंगा आपको कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा, कुछ 50 से 60 उसमें से आपके क्वेश्चन आ ही जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. फाइव नंबर, हाउ मच मनी हैड द ओल्ड वोमेन आस्क्ड फॉर द स्मॉल गाउड. मीन्स जब ना ये सीबी जो है अपनी स्कूल का टाइम में जब सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं तो सीबी क्या कर रहा होता है कि ये मार्केट में घूमता है हार्वर्ड टाउन में कि यार ये गाउड कहाँ कहाँ मिलता है. हर वो मार्केट को जानता है जहाँ गाउड मिलते हैं. तो एक दिन ऐसे जा रहा था वो, तो उन्होंने देखा एक ओल्ड वोमेन का शॉप था जहाँ पे गाउड्स लटके हुए थे, समझे ना, बहुत सारा. तो इसका अचानक से ध्यान गया, ओहो दिस गाउड आई लाइक, है ना, यही तो मुझे पसंद था, है ना, इवन सिमिलिटिकल टाइप ऑफ गाउड. तो उस बूढ़ी औरत ने कितना पैसा का डिमांड करा? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि भाई मुझे तू 10 सेन दे दू. ठीक है, सेन मतलब जापानी मुद्रा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते द टीचर वॉज पर्टिकुलरली एंग्री बिकॉज सी बी वॉज पॉलिशिंग द गाउडिंग. देखिए जो जापान से आए हुए थे टीचर स्कूल में, वो एंग्री इसलिए हो गए क्योंकि सीपी जो था वो क्लासरूम में ना गाउड को पॉलिश कर रहा था, उसे छील रहा था. तो आप समझिए क्लास चल रहा, भाई आप मिस्टेक करेंगे, दिस इज़ नॉट फेयर, तो आपको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए. तो सीबी को प्लेस है ना पनिशमेंट मिला. और देखिए वो क्लास स्पेशल था भाई, इथिक क्लास का मतलब होता नैतिक, समझ रहा, नैतिक गुण वाला बात हो रहा है. और आप मजाक करें क्लास में तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है. तो टीचर ने कंप्लेंट करा उसकी मदर को कि देखिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी अपने बच्चों को आप समझाइए, आप पेरेंट्स का काम है. ठीक है, इतने में उसके फादर आ जाते हैं, है ना, और उसके फादर भी फिर उसे कॉलर पकड़ के साउंड बीट देते हैं. 7 नंबर बोल रहा है, द कोरियो डीलर सोल्ड द कंस्ट्रक्टेड गाउड एट 600 yen. तो उस कोरियो डीलर ने, देखिए मैं उस कहानी बताता हूँ, गाउड जो था वो 10 सेन में खरीदा गया किससे, बूढ़ी औरत से. और उस गाउड को पकड़ लिया एक टीचर ने, ठीक है, क्लास में. और उस टीचर ने उस गाउड को दे दिया किसे, चपरासी को, पोर्टर को. पोर्टर के घर में एक बार पैसे की कमी आ गई तो, है ना, तो उन्होंने क्या करा, बेचने के लिए गया दुकान पे. तो किसके पास, कोरियो डीलर के पास. तो कोरियो डीलर ने एग्जामिन करा, कहा भाई देखो इसके तो मैं सिर्फ 5 ही सेन दूंगा. उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं बेचनी है, चपरासी बड़ा चला था. उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं बेचना है. तो बोला ठीक है 10 सेन. कहता नहीं नहीं बोला चलो 50 सेन देता हूँ मैं, है ना. तो 50 सेन में उन्हें बेच दिया था. ठीक है, जब दुकानदार बड़ा चला, दुकानदार ने तुरंत उसे 50 सेन के बदले, एक वेल्दी कलेक्टर आ रहे थे ये, इन्हें कितने में बेच दिया, 600 में. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो टैलेंटेड बॉय था. एक गाउड का डाउन, है ना, प्राइस जो था 600 yen था. तो समझ लो उसके घर में पूरा भरा हुआ था. इसलिए मैं
कल बता रहा था क्वेश्चन आंसर में कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी क्या बनना चाहता है, वास्तव में वो जो बनना चाहते हैं लाइफ है या नहीं है उसमें, तो करना चाहिए उनको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सीवी लिव, मतलब सीवी कहाँ रहता था। तो भाई ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हार्बर टाउन। कहाँ पे रहता था? हार्बर टाउन में, ये हार्बर टाउन जापान में है। अगला देखिए, सीगा नोया वॉज ए शॉर्ट, है ना, सीगा नोया वॉज ए डेथ स्टोरी है ना, शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो कहाँ के थे भाई? जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। दस नंबर देखिए, व्हाट डिड सीवी यूज टू अप्लाई ऑन गाउड्स टू गेट राइट ऑफ इस अनप्लेजेंट गाउड स्मेल, मतलब समझते हैं कि जो गाउड्स को क्लीन करते थे उससे जो स्मेल आते थे उसको ख़त्म करने के लिए क्या डालते थे वो? तो टी लिप्स का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? टी लिप्स का। देखिए माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मैं आपसे दोबारा से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रिजल्ट इस बार बहुत तगड़ा बनाना है। बस आपको करना क्या है, दो बारी वीडियो को सुन लीजिए और दो बारी लिख लीजिए, बस दो दो। इसके बाद आपको मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में जाइए, मज़ा आएगा आपको, समझे। कहाँ भी जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं क्या, आप खुद बिलीव कर पाएंगे, नहीं यार मैंने प्रैक्टिस करा और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए कष्ट करना पड़ता है, आप सोचेंगे कि मैंने वीडियो देख लिया चल हो गया काम, नहीं, आपको लिखना भी पड़ता है, जब तक थकेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। सीवी फादर ग्रैब्ड सीवी बाय, सीवी के फादर ने उसे ग्रैब मतलब होता है पकड़ लेना, कहाँ पकड़ लिया था? द कॉलर को पकड़ लिया था, ठीक है, कॉलर पकड़ा और उसे साउंड बीटिंग दिया। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द टीचर गेव सीवी कंस्ट्रक्टेड गाउट टू, टीचर ने कंस्ट्रक्टर मतलब होता है छीना हुआ, टीचर ने जो उससे सीवी से जो गाउट्स को छीना था उसे किसे दिया? तो उसने एक पोर्टर को दे दिया, पोर्टर मीन्स चपरासी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कहते हाउ मच मनी डिड द कोरियो डीलर टू द पे पोर्टर, मैंने बताया ना आपको, तो कोरियो डीलर ने पोर्टर को कितने पैसा दिया? पहले तो बोला भाई 5 सेंट, मैं कहा तो चपरासी ने कहा नहीं नहीं, बोला 10 सेंट, कहता नहीं नहीं, तो डायरेक्ट उसने कहा 50 सेंट ले लो मेरे से, 50। अगला देखिए, इन द एंड ऑफ स्टोरी सीबी इज इनक्राउज्ड, मतलब अंत अंत में सीबी जो है, देखिए उसके फादर ने तो गाउट्स को कलेक्ट करने से मना कर दिया, तो वो क्या करने लगा? तो उसके बाद ना भाई वो अपने पिक्चर्स को बनाना शुरू कर दिया, तस्वीर ड्राइंग करने लगा। फिर बाद उसके फादर ने कहा कि ये भी काम तुम मत करो। 15 नंबर देखिए, सीबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट डाइस स्कूल, मैंने शुरू में बात करा था 12 साल का हो गया लेकिन अभी भी किस स्कूल में पढ़ रहा था वो? प्राइमरी स्कूल में। कितनी, किस स्कूल में? प्राइमरी में। 16 नंबर कहता है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, कौन है इसमें? तो मेन कैरेक्टर भाई सीबी है, कौन है? सीबी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सीबी वॉज पर्सनैलिटी इन, है ना, पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन, मतलब वो बहुत ही जुनूनदायक, किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे? तो वो गाउट्स को कलेक्ट करने में लेते थे, ठीक है। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट आप करते रहिए, ठीक है, और मज़े से पढ़िए।